हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। क्या आप जानते हैं कि ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी इंटरलिंक्ड है? असल में ओव्यूलेशन ही वो प्रोसेस है जब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग बनता है और फिर ट्रैवल करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में आकर स्पर्म से फ्यूज होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद यूट्रस में जाकर ये फर्टिलाइज एग सेटल हो जाता है और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। कुछ बाहरी लक्षणों से आप अपनी ओव्यूलेशन की डेट को आइडेंटिफाई कर पाएं तो इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में कदम रख चुके हैं या फिर एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई इंपॉर्टेंट टूल्स एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ और भी बहुत कुछ है। रेस्टिंग मोड में बॉडी जिस टेम्परेचर में रहती है उसे बेसल बॉडी टेम्परेचर या BBT कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग में 97.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, लेकिन ओव्यूलेशन स्टार्ट होते ही इसमें एक हल्का सा उतार आता है और फिर उसके एकदम बाद लगभग 0.4 से 1 डिग्री का शार्प इंक्रीज होता है, जिसे ओव्यूलेशन कंप्लीट होने का साइन माना जाता है। इस तरह BBT को कुछ मंथ्स तक लगातार ट्रैक करके आप ओव्यूलेशन की डेट का पता लगा सकते हैं और इसके अनुसार आप अपने मोस्ट फर्टाइल डेज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल चार्टिंग दूसरा ऐसा इनएक्सपेंसिव मेथड है जिसमें आप सिंपल तरीके से ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हर महीने अपने पीरियड्स की स्टार्ट और एंड डेट को नोट करें और कुछ ऐसे महीनों तक लगातार करते रहें। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है तो ऐसे में आपका ओव्यूलेशन नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन से ठीक 14 दिन पहले से स्टार्ट होगा। इस डेट के आसपास आपको टिपिकल ओव्यूलेशन सिम्टम्स जैसे कि क्रैम्प्स, सर्विकल म्यूकस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फ्लूइड रिटेंशन, एपेटाइट और मूड स्विंग्स जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट साइकिल में जैसे ही सिम्टम्स रिपीट होंगे तो इनसे आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट की पहचान में मदद मिलेगी। इसके अलावा ओव्यूलेशन का पता लगाने का और एक बहुत सिंपल तरीका है ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करना। ओव्यूलेशन किट एक साइंटिफिक और बड़ा ही कन्वीनियंट मेथड है। ये आपके यूरिन सैंपल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को चेक करता है और उसकी बढ़ती हुई मात्रा के आधार पर ओव्यूलेशन डेट पता चल जाती है। डॉक्टर्स के अनुसार बॉडी में LH सर्ज यानी कि LH की अधिकतम मात्रा मिलने के लगभग 10 से 12 घंटे बाद ओव्यूलेशन शुरू होता है और इसलिए इस टेस्ट को हर रोज सेम टाइम पर दिन में रिपीट करें, जिससे LH का बढ़ता हुआ लेवल पता चल जाता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए ओव्यूलेशन की एक्सपेक्टेड डेट से कुछ दिन पहले ही टेस्ट करना शुरू करें और फिर 5 से 6 दिन तक टेस्ट रिपीट करें। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए टेस्ट करने से 4 घंटे पहले से अपना फ्लूइड इंटेक कम कर दें। इससे यूरिन में LH की मात्रा कंसंट्रेटेड रहेगी और इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। आप माइलो का ओव्यूलेशन टेस्ट किट भी यूज कर सकते हैं, जो ड्रॉपर के साथ आता है और उससे बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए इस चीज को मेजर करना। फर्टिलिटी मॉनिटर से आप अपने वो 5 सबसे ज्यादा फर्टाइल डेज का पता लगा सकते हैं जो बेबी प्लानिंग के लिए बेस्ट हैं। यह आपकी बॉडी में LH और एस्ट्रोजन के लेवल को मॉनिटर करते हुए 2 सबसे ज्यादा फर्टाइल डेज इंडिकेट करता है जब प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं। कई फर्टिलिटी मॉनिटर्स प्रीवियस साइकिल्स की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं ताकि इससे और ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स मिल सके। फर्टिलिटी मॉनिटर बाकी सभी मेथड्स के कंपैरिजन में एक सबसे महंगा ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शंस को आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ट्राई कर सकते हैं। वी आर श्योर इनसे आपको प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमाइज करने में जरूर मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। साथ ही माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।